सूबा पंजाब विच लगातार वैश्विक महामारी नावल कोरोना दे मामले वधदे होए नजर आ रहे ने। पंजाब दी जे गल करिए ते इत्थे हुण तक 27 लोकां दी कोरोना वायरस दे चलदे मौत हो चुकी है। जिला तरन तारण दे विच लगातार वध रहे मामलों ने जिथे सेहत विभाग दे विच हड़कंप मचाया होया है, उत्थे पंजाब पुलिस जो कि दिन रात अपनी तनदेही दे नाल ड्यूटी निभा रही है, उन्हां दे वल्लों भी लगातार लोकां नूं जागरूक किया जा रहा है। इसे दे चलदे थाना सदर पट्टी दे SHO हरप्रीत सिंह दी योग अगवाई दे हेठ पुलिस चौंकी करियाला दे इंचार्ज SI लखविंदर सिंह दे वल्लों पिंड करियाला ते नाल लगदे पिंडां दे विच फ्लैग मार्च किया गया। इस दौरान फ्लैग मार्च करदे होए SHO हरप्रीत सिंह ने लोकां नूं अपील की कि ओह सरकार दे वल्लों जिहड़ियां हिदायतां दित्तियां गईआं ने उन्हां दी पालना करन। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਲੈਂਗ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ, ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਜਿੰਨੇ 9 ਤੋਂ 1 ਤੱਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਹੋਣ ਸਾਰੀ ਬਾਹਰ ਲੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੁਲਿਸ ਕਰਦੀ? ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਨਾਕੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ? दसनी होगा कि इस मौके पर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का खास तौर पर ध्यान रखने की भी अपील की गई। हाँ जी सर, जो अब फ्लैंग मार्च पिंड करियाले विखे किया जा रहा है, की कारण करते? बस अपना करफ्यू की पालना संबंधी लोगों को जागरूक कराने संबंधी, जोड़ा COVID-19 है, ये बीमारी तो लोगों को जागरूक कराने संबंधी कि तुम घर रहो, अं ती हिफाजत वास्ते मतलब बाजारों से ताकि सेफ्टी में तुरे फिरते हैं, कि कहीं कहीं जरूरत है तो पुलिस को दसते ही प्रोवाइड करने के वचन बारे। सर कोई मामले भी अपने एरिए कोई सामने आए कि नहीं हूँ तक बचाई है जी? मामले तुम पता ही आ रहे हैं, कुछ 47 मामले तरन तारण जो चल रहे हैं, उन्होंने किया गया आइसोलेशन वार्ड है, तरन तारण शिफ्ट कर दिया गया। की अपील करते जो लोग सड़कों से तुरे फिरते? अपील यही कर रहे हैं कि जो प्रशासन संबंधी ढिल दी गई है, दुकाना खुलियां, लोड़ मुताबिक वो एक दो जी आए अपना समान लैके जा, ना फालतू तुरे फिर बाजार, यो हदायत है। तरन तारण तो पवन कुमार की स्पेशल रिपोर्ट के नाल ब्यूरो रिपोर्ट द TV NRI।